जय माता दी फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा दक्ष के 60,000 कन्याएं थी। उनमें से दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था, तो चंद्रमा रोहिणी नाम की कन्या से अधिक प्रेम करते थे और 26 कन्याओं से इतना नहीं। तो 26 कन्याओं ने अपने पिता से कहा, तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, पर चंद्रमा ने राजा दक्ष की बात नहीं मानी। इस पर राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ। श्राप देते ही चंद्रमा की कला घटने लगी। इस पर चंद्रमा बहुत दुखी रहने लगे, तो वे भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ का पूजन व्रत करने लगे और भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस पर भगवान आशुतोष भोलेनाथ प्रसन्न हुए और चंद्रमा को वरदान दिया कि चंद्रमा, मैं तुम्हारी पूजा और सोमवार व्रत से तथा महामृत्युंजय जाप से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि पूर्णिमा से अमावस्या तक तुम्हारी कलाएं घटती रहेंगी और अमावस्या से पूर्णिमा तक तुम्हारी कलाएं बढ़ती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने चंद्रमा की प्राणों की रक्षा की, वैसे सब भक्तों की करना।